एवरीवन, आज हम लोग एक्साइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसको हम लोग को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, और रूट्स निकालने का मतलब हो गया कि हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। मतलब एक्स का जो मान निकालते हैं उसी को हम लोग रूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका एक्स का मान कितना आता है, 2 आता है, क्योंकि आपको बताया था कि किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वो 2 होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हाईएस्ट पावर 2 होगा, तो ये भी आपको बताए थे इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जिसका पावर 2 होता है हाईएस्ट, उतना हमारा इक्वेशन का जितना पावर हाईएस्ट पावर होता है उतना हमारा क्या निकलता है, एक्स का मान निकलता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 होता है, तो इसीलिए एक्स का मान भी हमारा 2 निकलता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग देख के आए होंगे तो किस प्रकार सॉल्व करते हैं। इधर हम लोग रफ वर्क करेंगे। सबसे पहले इसके इजी चीज क्या होता है सॉल्व करने की, इसको और इसको, ये एक्स स्क्वायर वाले को और कॉन्स्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 × x² करोगे तो क्या आ जाएगा, 10x² आ जाएगा, क्लियर। अब इस 10x² को दो हिस्सा में हम लोग तोड़ देते हैं, एक इधर लिख लो और दूसरा इधर कर दो। और एक्स स्क्वायर को सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर देते हैं, एक एक्स इसमें डाल दो, एक एक्स इस बॉक्स में डाल दो। अब जो भी हम लोग काम करेंगे सिर्फ वेरिएबल पे करेंगे। और देखो यहाँ पे हम लोग ये क्या बोलते हैं, साइन हम लोग नहीं लिए। देखो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो प्लस एक्स, ये माइनस 10 और प्लस एक्स स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस 10x². तो अब देखो हम लोग को क्या करना होता है कि जब इसको हम लोग सॉल्व सम करेंगे या माइनस करेंगे ना, तो हमें ये आना चाहिए माइनस 3x। इन दोनों को दो हिस्सा में जो तोड़ेंगे हम लोग, तो जब इस फिर वापस इन दोनों को सम के जरिए या माइनस के जरिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस 3x आना चाहिए, और इन दोनों में से किसी भी एक से, ठीक है। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना चाहिए, वापस से फिर हमारा ये आ जाना चाहिए माइनस 10x² आ जाना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो ये वेरिएबल का हम लोग काम खत्म कर दिए। कॉन्स्टेंट देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 10 का फैक्टर निकालते हैं, तो 10 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 2 से पहले करेंगे 5 बार में, फिर 5 से करेंगे 1 बार में, तो हो जाएगा 2 × 5 एक हो गया, और दूसरा हो जाता है 1 × 10, ठीक है, ये 2 हो गया। तो दोनों में से कौन इसमें हम लोग पुट करेंगे, देखो तो फर्स्ट ये सेकेंड वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, 10 में से 1 माइनस करोगे तो 9 आएगा, और प्लस कर दोगे 10 ही आएगा, हमको चाहिए माइनस 3x। ये सेकेंड वाले को देखो तो अगर हम लोग 5 में से माइनस 5 में से प्लस 2 कर दें तो क्या बचेगा, माइनस 3, और हमको क्या चाहिए, माइनस 3 चाहिए, तो ये काम कर गया। और जब वापस इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस 5 × 2 तो क्या आ जाएगा, माइनस 10, तो हमको वही चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 10 आना चाहिए, तो दोनों काम मेरा हो जा रहा है। तो चलो इसको मिटा देते हैं यहाँ तक, और इसको पुट कर देते हैं। एक क्या आया था हमारा माइनस 5, और दूसरा आया था हमारा प्लस 2। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर किए हो तो क्या आ जा रहा है, माइनस 10, और फिर इन दोनों को, ये तो उसके लिए हो गया, और इसको सॉल्व कर दोगे माइनस 5 + 2 तो क्या आ जाएगा, माइनस 3, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, इसको मिटा सकते हो, ये सिर्फ समझाने के लिए बताए थे, एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे ही रह जाता है। और ये माइनस 3 को दो हिस्सा में तोड़ते हैं, किस में, माइनस 5x, माइनस 5x और प्लस 2x, उसके बाद माइनस 10 ऐसे ही रह जाता है, इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ x कॉमन है, तो x को कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 5, और इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, 2 कॉमन है, प्लस 2, तो 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, x, और माइनस ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि माइनस हम लोग बाहर निकाले ही नहीं। तो 10 कितने बार में आता है, 2 के टेबल में, 5 बार में, तो 5 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 5 दोनों में कॉमन है, तो बाहर निकाल लिए, तो अंदर क्या बचेगा, x, और इसमें क्या बचा, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 5 इक्वल टू 0 कोमा x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग कि x इक्वल टू, ये माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5, ये फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट x का मान निकल गया एक, और दूसरा x इक्वल टू, ये प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2, ये 2 हमारा निकल गया, तो हम लोग का x का मान कितना आ गया, 2 आ गया।
और यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट नंबर को हम लोग सॉल्व कर दिए। अब हम लोग सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं। देखो तो अब हम लोग सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं। सेकेंड वाले को कैसे सॉल्व करेंगे? सेकेंड वाले को सेम इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। सेकेंड वाले में भी इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉन्स्टेंट नंबर और एक्स स्क्वायर का वेरिएबल वाले को। पूछो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² - 6 करने पे क्या आ जाएगा, 6 × 2 = 12, 12x² और साइन प्लस माइनस माइनस, तो ये साइन आ गया। अब इसको दो हिस्सा में तोड़ देते हैं, ठीक है। देखो कितना आसानी से आपको बता रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर दोनों में एक एक एक्स रख देंगे। अब सिर्फ हम लोग वेरिएबल का काम करेंगे, तो हमारे पास है -12, तो माइनस बाद में हम लोग अरेंज कर लेंगे, सिर्फ 12 को लेकर चलते हैं। हमको बीच में लाना है x, तो 12 का पहले हम लोग फैक्टर निकालते हैं कितना होता है। तो 2 से करेंगे 6 बार में, फिर 2 से करेंगे 3 बार में, फिर 3 से करेंगे 1 बार में। तो ये देखो इसको हम लोग कर करके देखते हैं, 2 मिलकर हो जाएगा 4 × 3, एक फैक्टर आ गया। दूसरा देखो, ये फर्स्ट वाले करने से आपको मैच हो गया कि 4 में से अगर 3 करोगे, 4 में से -3 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1। और हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 1x चाहिए, 1x चाहिए। तो अगर हम लोग 4x में से -3x करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1x लिखो चाहे x लिखो। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4x में से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे -3x को तो क्या आ जाएगा, 4 × 3 = 12, और x मिल के x² और माइनस का साइन लगा है तो माइनस, और यही ना मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -12x². तो ये हमारा आ गया। तो मतलब अप्लाई कौन सा होगा हमारा, ये वाला, क्या होगा, 2x² ऐसे ही रहने देंगे प्लस, और इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे 4x में से -3x जाएगा, तो ये 1x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे हमारा -12x² आ जा रहा है। और इसको ऐसे ही लिख देते हैं, -6 = 0। अब इन सभी को मिटा देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन 2x कॉमन है दोनों में, और x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, इसमें x बचेगा प्लस इसमें क्या बचेगा, 2 बाहर निकाले हैं तो 4 × 2 = 2, दो बार में आता है 2 × 2 = 4, तो 2 आ गया, और x का 2x पूरा कॉमन निकाल लिया, तो x कॉमन ही निकाल लिया, तो बस क्या बचा, x प्लस 2 बचा। और इन दोनों में देखो माइनस भी कॉमन है, तो माइनस को बाहर निकाल लिए, और 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 × 1 = 3 × 2 = कट जाएगा, तो 3 बाहर निकाल लिए और कुछ कॉमन नहीं है, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे माइनस बाहर ही निकाल लिए, 3 बाहर ही निकाल लिए, तो सिर्फ बचा x, और माइनस यहाँ से बाहर निकाल लिए तो ये बच गया प्लस, और 3 × 2 = 2 = 0, ठीक है। जैसा आपको बताया है कि अगर अंदर वाला दोनों का सेम ये नहीं आ रहा है तो समझिए कि आप कहीं गलती कर रहे हैं, एक बार फिर से आप लोग देखिए, ठीक है। उसके बाद x प्लस 2, इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है, तो बाहर निकाल लिए, तो अंदर क्या बचेगा, 2x - 3, इसमें 2x बच गया और यहाँ पे -3 बचा, = 0। अब देखो अब क्या करेंगे, x + 2 = 0, 2x - 3 = 0, क्लियर। फिर x = ये प्लस 2 इधर आएगा तो -2, ये आ गया x का एक मान, और दूसरा आ जाएगा हमारा 2x = -3 है, इधर आएगा तो +3, और x = आ जाएगा हमारा 3/2, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया, 2x का मान निकाल लिए। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लिए, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ना तो नोट कर लीजिए, इसको रफ करते हैं। चलिए तभी हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन रूट में दिया गया है, तो क्या प्रॉब्लम है, जो मेथड हम लोग लगाए हैं, अगर मेथड सीख गए हैं तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रफ वर्क के लिए देख लेते हैं, यहाँ पर रफ कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करना रहता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, रुक जाओ पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिटा देंगे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो √2 x² × 5√2, अब क्या आएगा, रूट से रूट जाएगा, तो देखो √2 × √2 क्या होता है, रूट से रूट जाता है और 2 हमारा ऐसे ही बाहर निकल जाता है, ये तो आप लोग पढ़ते आ रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दो रूट के बदले 1 2 आ गया हमारा, क्लियर, × 5 ऐसे ही रह गया, 5 x² ऐसे ही रह जाता है x²
अब देखो टेन एक्स स्क्वायर आ गया ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे टेन एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको वापस हम लोग दो हिस्सा में तोड़ देंगे, और लाना क्या है दो हिस्सा में तोड़कर, एक एक्स को इधर कर देंगे और एक एक्स को इधर लिख देंगे, और इसको प्लस से माइनस करके हमको प्लस सेवन एक्स लाना है, और मल्टीप्लाई करने पे वापस से हमारा क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे वापस हमारा टेन एक्स स्क्वायर आ जाना चाहिए जो पॉजिटिव है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले टेन का फैक्टर निकालेंगे, तो क्या आएगा टू से फाइव बार में, फाइव से वन बार में, ये दो ही है हमारे पास। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि टू इंटू फाइव, ये एक फैक्टर हमारे पास आ गया, और यही हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि फाइव प्लस टू क्या होता है सेवन, और फाइव इंटू टू करोगे तो क्या आता है टेन। तो देखो तो हमको मल्टीप्लाई करने पे टेन आना चाहिए, और प्लस करने पे चाहे माइनस करने पे सेवन आना चाहिए। तो यहाँ पे निगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव लाना है, तो प्लस करेंगे तो प्लस फाइव प्लस टू क्या आता है सेवन, तो हो गया हमारा। तो अगर इसमें हम लोग कर देंगे फाइव और ये कर देंगे टू, तो इन दोनों को अगर तुम सम कर दोगे तो सेवन एक्स आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला आ जाएगा। तो यही हम लोग को चाहिए, तो क्या हम लोग खुद करेंगे 5x और 2x करेंगे 7x के जगह। तो इसको पूरा मिटा देते हैं, देखो देखो सॉल्व करते हैं, ये रूट टू ऐसे ही रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों के जगह पे क्या लेंगे हम लोग 5x लेंगे प्लस 2x। अब कितने बचे गए सवाल हुए कि सर ये 2x हम लोग इधर भी लिख सकते हैं और 5x इधर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2x प्लस 5x भी लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों को प्लस करने पे 7x ही आ रहा है। तो आप लोग किसी प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस 2 को इधर भी कर सकते हैं और इस 5 को इधर भी कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे प्लस 7 लाना है तो आप लोग कैसे भी लिखिएगा तो प्लस 7 ही आएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, आप कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आप साइन का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, वहां पे थोड़ा सा आपको देख के करना है, होशियार होके और फिर आपको काम करना है, ठीक है। और इसको ऐसे ही नोट कर देते हैं, तो प्लस फाइव रूट टू ऐसे ही आ गया इक्वल टू जीरो। अब कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा एक्स ही सिर्फ कॉमन दिख रहा है, तो एक्स कॉमन निकालने तो क्या बचा रूट टू एक्स प्लस फाइव, और इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमारा, देखो टू को तुम कैसे लिख सकते हो, रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हो, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमारा, देखिए तो एक यहाँ पे रूट टू है और टू में हमारा दो रूट होता है, तो एक रूट को इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग, और दोनों में प्लस है तो प्लस बाहर निकलेगा, तो प्लस रूट टू को कॉमन ले लिए, और अंदर क्या बचेगा फिर यहाँ पे रूट टू एक्स बचा, और प्लस ये रूट टू निकल जाएगा तो क्या बचेगा फाइव इक्वल टू जीरो। क्लियर हुआ? अब इन दोनों में कॉमन का हो चाहे जो बीच वाला दोनों में सेम होता है उसको अलग कर देते हैं, तो रूट टू एक्स प्लस फाइव, और अब ये बाहर वाले को लिख देते हैं एक साथ एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। अब एक एक अलग अलग कर देंगे, रूट टू एक्स प्लस फाइव एक बार इसके साथ जीरो कोमा, और फिर एक बार एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। अब देखो रूट टू एक्स इक्वल टू ये प्लस फाइव इधर आएगा तो माइनस फाइव, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस फाइव बाई रूट टू। क्लियर हुआ? और इधर देखो एक्स इक्वल टू माइनस रूट टू, तो यहाँ पे ये भी हम लोग क्लियर कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले एक आपको चीज बता दें कि जो भी चीज इक्वेशन में जो नीचे हमारा दिया डिवाइड में दिया रहता है इसको सबसे पहले हम लोग हटाते हैं, मतलब इसको यहाँ से हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब डिलीट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। डिलीट ऐसे ही नहीं करते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है। कैसे? अब इस 8 को हटाना है तो किस प्रकार से हम लोग 8 को हटा सकते हैं, इस पूरे इक्वेशन में अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 से 8 ये कट जाएगा। अगर पूरे इक्वेशन में हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर 8 आ जाएगा और नीचे 8, ये कट के क्या आ जाएगा 1। तो वही काम करेंगे हम लोग, पूरे इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे कि 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई 8 इक्वल टू, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिए। और ये क्यों किए? क्योंकि एक नियम होता है किसी भी इक्वेशन में हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं और इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन जो भी करेंगे दोनों साइड करेंगे, जो भी हम लोग को करना है इक्वेशन में वो दोनों साइड करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस बनाने के लिए कि इक्वेशन हमारा बैलेंस में रहे,
ठीक है। अगर प्लस भी करते हैं तो इधर भी प्लस करेंगे, इधर भी प्लस करेंगे सेम ही नंबर से, तो क्या रहेगा, इक्वेशन हमारा बैलेंस में रहेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम करेंगे दोनों तरफ, तो वही काम करके हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब 8 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड, तो ये 8 अंदर जाएगा तो क्या बचेगा, 16x² - 8x, और ये देखो इस 8 यहाँ पे आएगा तो 8 से 8 कट के क्या आ जाएगा +1 = 0, से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही हो जाता है। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल जो मेथड अभी तक बताएं उसी को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 16x², क्योंकि 16x² से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आ जाता है। अब इसको दो हिस्सा में तोड़ दो, ठीक है, तो x² को एक तरफ x लिख दो और एक x लिख दो, और 16 का फैक्टर निकालने की कोशिश करो। 16 क्या आता है, 2 के टेबल से 8 बार में, फिर 2 के टेबल से 4 बार में, फिर 2 के टेबल से 2 बार में, और फिर 2 के टेबल से 1 बार में। अब हमको लाना है यहाँ पे -8 लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर होता है, 2 से 4 ऐसे कर करके देखेंगे, दो दो नंबर को या तीन तीन नंबर को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ करोगे तो 4 × 4 हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक बार ही करोगे तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर 3 को एक साथ करोगे और सिंगल रख दोगे ऐसे 2 4 और 8 8 × 2, ठीक है, ऐसे कर करके देखोगे। लेकिन जैसे ही हम लोग फर्स्ट वाले किए हैं कि 4 × 4, तो देखो हमको 8 लाना है, तो अगर इन दोनों को हम लोग माइनस में कर दें, -4 × -4, ठीक है, -4 × -4 अगर करेंगे, बीच में प्लस का साइन है, तो क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -4 × -4, तो क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया और 4 × 4 = 16, और हमको क्या लाना है, 16 लाना है, तो क्या हो जाएगा हमारा -4 और -4 हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे -4 और यहाँ पे भी -4 एक्स रखेंगे, क्लियर। चलिए इसको मिटा देते हैं, याद रखिए आप लोग -4 और -4 सॉल्व करना है, तो 16x² को ऐसे ही रहने देंगे, और ये -8x के जगह पे अगर -4x और -4x कर दोगे तो दोनों को जब सम करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा -8x और +1 ऐसे ही रह जाएगा = 0, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16x² जो हमको चाहिए। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन निकालो, इन दोनों में कुछ कॉमन निकालो और इन दोनों में कुछ कॉमन निकालो, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक 4 कॉमन है, दूसरा x कॉमन है, तो जब 4x कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बचा, 4x बच गया, और 4x पूरा ही निकाल लिए तो क्या बचा, -1 बच गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन ही नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ क्या कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, सिर्फ माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, -1, तो अंदर क्या बच गया 4x, और -1 को कॉमन निकालने के लिए प्लस है, तो क्या हो जाएगा -1 = 0। क्यों निकाले हैं, क्योंकि आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पे आया है वही चीज यहाँ पे लाना है, तो वो इसी के मदद से हम लोग निकाले हैं, क्योंकि देखें कि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। अगर माइनस को कॉमन नहीं निकालता है तो हमको 4x को प्लस पॉजिटिव बनाना था, क्योंकि इसके जैसा बनाने के लिए, तो इसीलिए माइनस को कॉमन निकाल लिए, तो माइनस बाहर आ गया तो ये 4x हो गया, और जब इन दोनों में माइनस ये प्लस है तो माइनस एक बाहर निकल जाएगा, तो एक माइनस ऐसे ही रह जाएगा, तो हमको ये भी निगेटिव बनाना था, तो ये निगेटिव बन गया, तो हम दोनों में कॉमन क्या है 4x - 1 कॉमन हो गया दोनों में, चाहे अंदर दोनों वाले को एक जगह लिख देते हैं और दोनों बाहर वाले को एक तरफ लिख देते हैं, 4x - 1 = 0। क्यों लिखते हैं, क्योंकि इन दोनों में अब कॉमन क्या है, 4x - 1 कॉमन है, और जो बचा उसको एक फिर लिख देते हैं, 4x - 1 बच गया, ये दोनों सेम है, तो 4x - 1 = 0 कोमा और 4x - 1 = 0 कोमा। अब सॉल्व करो, 4x ऐसे ही रहने दो = 1। चलिए यहाँ तक दिख रहा है, तो इसके आगे हम लोग सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे देखो, इसके आगे यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, 4x = 1 है, ठीक है, 4x = 1 है, तो x = क्या आ जाएगा 1/4। सेम ऐसे ही इसको भी सॉल्व करो, क्योंकि दोनों सेम है, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा x = 1/4, इसका भी आ जाएगा, तो दोनों का 1/4 और 1/4 सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ, नहीं एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। उससे पहले आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, चाहे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ये 20x है, 20x। अब देखो
क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल जो फॉर्मूला है ये फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉन्स्टेंट नंबर से। तो क्या आ जाएगा हमारा 100x स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, और फिर इसको दो हिस्सों में तोड़ देंगे, ठीक है। और जो तोड़ेंगे वो प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए माइनस 20x, और मल्टीप्लाई करने पे वापस से ये आना चाहिए। ये हम लोग आप लोग जान गए होंगे। तो देखो 100 का पहले फैक्टर निकालेंगे, तो 100 क्या आएगा 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, और फिर 5 से 1 बार में। तो हमको माइनस 20 लाना है। देखो कैसे कौन कौन सा फैक्टर हो जाएगा, एक 2 जा 4 इंटू और 5 जा 25, ये फर्स्ट फैक्टर हो गया। दूसरा ये एक साथ हम 3 को मल्टीप्लाई कर, 5 जा 25 इंटू 2 क्या होता है 50 इंटू 2, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमको 20 लाना है सॉम करने पे। और देखते हैं और क्या होगा, और देखो तो और कुछ हो सकता है, 5 2 जा 10 और एक 5 इसके साथ इन दोनों कर दो, तो 5 2 जा 10, ठीक है, एक ये फैक्टर हो गया। और चौथा फैक्टर हो जाएगा हमारा 1 इंटू 100, लेकिन ये देखो ये हमारा फैक्टर से हो जाएगा क्योंकि हमको क्या लाना है 20 लाना है, तो 10 माइनस 20 लाना है, तो माइनस 10 क्योंकि प्लस है ना करते हैं, प्लस माइनस 10 क्या आ जाएगा माइनस 20, क्लियर। और जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस 10 इंटू माइनस 10 को, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है और 10 मिलकर 100 हो जाता है, तो हमको 100 ही लाना है। तो क्या हो जाएगा माइनस 10 इंटू माइनस 10 दोनों के लिए हो जाएगा, तो एक्स एक्स ऐसे ही रह जाता है, तो एक्स इसमें भी हो जाएगा एक इसमें भी हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 10 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 10। अब इस माइनस 20 की जगह ये पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100x स्क्वायर ऐसे ही रह गया, माइनस 20 की जगह माइनस 10x। हम चाहते तो डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन आपको समझा के करना, आपके जैसा हम भी वही जैसे आप प्रोसेस करते हैं, जैसे आप सॉल्व करेंगे उसी तरह हम भी सॉल्व करेंगे, तो आपको समझने में भी आसानी होगा और आपको लगेगा कि मेरे पास कोई बैठ के पढ़ा रहा है, और आसानी से आप लोग समझ लीजिएगा। इसीलिए मैं इस स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को बताता हूँ। और ये ऐसे ही नोट कर देंगे प्लस 1 = 0। अब इन दोनों में कुछ कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है 10 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो ये निकाल लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 10x बच गया, ये पूरा 10x बाहर आ गया, तो क्या बचा -1। इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो फिर देखो वापस हमको 10x - 1 अंदर बनाना है, तो क्या कॉमन निकाल देंगे, ये -10x को ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसलिए माइनस को बाहर निकाल देंगे, 1 - 1 को बाहर निकाल देंगे, तो अंदर क्या बच गया 10x, और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस 2 माइनस से मिलकर प्लस बनता है, तो 1 माइनस हम लोग बाहर निकालिए, तो 1 माइनस बच गया, तो 1 ऐसे ही रह गया = 0। अब देखो तो ये दोनों सेम हो गया कि नहीं अंदर वाला, तो जो सेम रहता है दोनों में कॉमन क्या है 10x - 1 ब्रैकेट के अंदर वाला कॉमन है, और बाहर वाला ऐसे ही लिख देंगे 10x - 1। यहाँ पे भी देखो दोनों सेम है = 0, कोई दिक्कत नहीं है, 10x - 1 = 0 कोमा और 10x - 1 = 0। अब देखो 10x ऐसे ही रहने देंगे और -1 इधर आएगा तो +1, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/, ये मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड आ गया, तो 1/10 हो गया। और इसमें भी वही काम करेंगे, 10x को ऐसे ही रहने देंगे और -1 इधर जाएगा तो प्लस, और x इक्वल टू 1/10, इसका भी हम लोग सॉल्व कर लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर पूरी तरह से सॉल्व होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। इस वीडियो कहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के साथ फिर लौटेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।